गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक एक कंप्लीट हो गया था कल, राजस्थान के दुर्ग पढ़े सबने, मतलब घर पे जाके। यहाँ पे तो मैंने पढ़ाया है, घर पे जाके पढ़े क्या? पूछ लें थोड़ा बहुत है? चलो पूछ लेते हैं। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, किस दुर्ग में है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है। और 32 खंभों की छतरी रणथंभौर। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं दोनों ने जौहर किया? कौन सा दुर्ग है? बटनेर का दुर्ग। बीकानेर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? जो आपने 9 श्रेणियां पढ़ी है ना दुर्गों की, उसमें से किस श्रेणी में आता है? पारिक श्रेणी में। बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राय सिंह के द्वारा। और उनका एक मंत्री था जिनकी देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण कार्य हुआ, क्या नाम था? कर्मचंद पंवार। जालौर दुर्ग के उपनाम कौन कौन से थे? जावालीपुर और स्वर्णगिरी था या सुवर्णगिरी था? सुवर्णगिरी और जलालाबाद और कनकाचल सोनलगढ़, इस टाइप से नाम थे। जालौर दुर्ग में साका कब हुआ या जालौर का साका कब हुआ? 1311 ईस्वी में, ठीक है। और किन किन मतलब आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और शासक कौन था उस समय? कानड़देव। और 1308 में कौन सा साका हुआ, कहां पर हुआ? सिवाना में। आक्रमणकारी और शासक सातलदेव। गागरौन के दुर्ग में कितने साके हुए, कब कब? 1423 और 1444। महमूदाबाद किसका नाम रखा गया था? उदयपुर का। किसने, कौन से साके के बाद? चित्तौड़ के तीसरे साके के बाद, 1568 में हुआ था। खैराबाद किस दुर्ग का नाम रखा गया? सिवाना दुर्ग का। कब? 1308 ईस्वी में। और खिजराबाद किसका नाम रखा गया, कौन से साके के बाद? 1303, जो चित्तौड़गढ़ का पहला साका था। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर किस दुर्ग में हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। मुस्तफाबाद किसका नाम रखा? गागरौन का। किसने रखा था? महमूद खिलजी ने रखा था, ठीक है। तो ये जो नाम जो चेंज किए थे ना, उनको आप अच्छे तरीके से याद रखना। अब राजस्थान का एक, राजस्थान कला संस्कृति का एक छोटा सा टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, क्या नाम लिखा हुआ है? राजस्थान की छतरियां। छतरियों का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है छतरियों का मतलब? क्या होता है छतरियां? समाधि स्थल आप बोल सकते हो, या फिर जो भी शासक हुए या कोई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी याद में उनके स्मारक जो बनाए जाते हैं, उन्हें आप किस नाम से बोल देते हो? छतरियों के नाम से। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें लगभग 20-25-30 के आसपास आप छतरियां पढ़ते हो, राजस्थान की प्रमुख प्रमुख, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। और सीधा सा क्वेश्चन यही पूछते हैं, किसी व्यक्ति की अगर छतरी है या किसी नाम से प्रसिद्ध है, जैसे मूसी महारानी की छतरी है, या तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ स्थित है। और कुछ छतरियां ऐसी है राजस्थान में जो खंभों के ऊपर, मतलब जिनके नाम रखे हैं, जैसे 84 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी, 18 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग लगभग 5-7 छतरियां ऐसी है जो खंभों के नाम पर आधारित है, ठीक है। तो आपको जैसे पूछ लिया 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये तो कुछ छतरियां ऐसी जो सामान्य व्यक्तियों या उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया उसके लिए प्रसिद्ध हो गए। जैसे एक रैदास जी का आप नाम पढ़ते हो, वो मीरा जी के
गुरु थे उनकी छत्री पूछ लेते। और कुछ छत्रियां ऐसी है जो राजस्थान में प्रमुख राजवंश हुए, जैसे मेवाड़ राजवंश, जयपुर में जो राजवंश हुआ, मारवाड़ में जो राजवंश हुआ, बीकानेर में जो राजवंश हुए, उनके एक ऐसा स्थल बना हुआ है जहां पर उनके जितने भी महाराजा राजा जो भी हुए उन सबकी छत्रियां बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना राजस्थान की प्रमुख छत्रियां या फिर राजस्थान की छत्रियां। सबसे पहले 5-7 छत्रियां जो जयपुर राजस्थान के जितने भी राजवंश हुए उन सबकी छत्रियां, इसमें सबसे पहली लिखना। और ये टॉपिक ऐसा है इसमें सीधा सा आपको रटना ही है, जैसे आहड़ की छत्री पूछ ले किन से संबंधित है, किस राजवंश से, उदयपुर या फिर मेवाड़ राजवंश, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखना, लिख लिया आहड़, लिखो। तो जो आहड़ की छत्रिया है कहां स्थित है, उदयपुर में। और उदयपुर में स्थित है इसका मतलब किस राजवंश से संबंधित होगी, मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ के राजाओं की इसमें। अब जैसे आप महाराणा कुंभा की छत्री अलग पढ़ते हो, सांगा की अलग पढ़ते हो, महाराणा प्रताप की अलग पढ़ते हो, वैसे ही जो आहड़ में जब मेवाड़ के महाराजाओं की छत्रियां बनने लगी वो किसके शासन काल के बाद बनने लगी थी, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था, अमर सिंह प्रथम। तो आपको ध्यान रखना है आहड़ में जो मेवाड़ के महाराजाओं की छत्रियां बनने लगी थी वो किनके शासन काल के बाद, अमर सिंह, मतलब आहड़ में सबसे पहली छत्री किनकी बनी थी, अमर सिंह प्रथम की। इनके बाद में जितने भी राजा हुए थे उन सबकी छत्रियां या फिर उनके स्मारक कहां बनने लगे, आहड़ में। और आहड़ को एक और नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, महासतिया। बस ये आहड़ की छत्री कंप्लीट हुई आपके। तो इसमें सबसे पहले आहड़ लिखना कहां स्थित है, उदयपुर में। अगला इसमें लिखना मेवाड़ राजाओं की अगली लाइन में लिख लेना, यहां अमर सिंह प्रथम की, यहां अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम की छत्री सर्वप्रथम बनी। और आहड़ का एक और नाम क्या है, क्या लिखा मैंने, महासतिया। इस स्थल को और क्या कहा जाता है, महासतिया के नाम से भी जाना जाता है। लिखना आहड़ को महासतिया, आहड़ को महासतिया से भी जाना जाता है। एक आप सभ्यता भी पढ़ते हो, तो आहड़ सभ्यता है ना, वो भी पढ़ते हो आप, तो वो भी उदयपुर में ही स्थित है, बेड़च नदी के किनारे। तो आहड़ की जो छत्रियां इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, महासतिया। लिख लिया सबने, इनके बाद ये आपके किस राजवंश की है, मेवाड़ राजवंश की छत्रियां। ठीक है, इनके बाद अगला जो राजवंश अपन पढ़ेंगे गेटोर की छत्रियां। गेटोर की छत्रियां कहां स्थित है, राजसमंद। ये कौन सी किताब में पढ़ के आ गए हैं, गेटोर की छत्रियां किस राजवंश से संबंधित है, जयपुर। और कहां स्थित है ये छत्रियां, जयपुर। गेटोर की छत्रियां जयपुर राजवंश। जैसे आपने आहड़ पढ़ा, आहड़ में सबसे पहले छत्री किसकी बनी थी, अमर सिंह प्रथम की। वैसे ही गेटोर में जो जयपुर के महाराजा जिनकी सबसे पहले छत्री बनी थी उनका क्या नाम है, सवाई
जय सिंह। लिख लो, गेटोर में सर्वप्रथम सवाई जय सिंह की छतरी बनी। और इनसे पूर्व के जितने भी शासक हुए उनकी छतरियां अलग अलग स्थानों पर बनी हुई है, ठीक है। सर्वप्रथम किनकी छतरी बनी थी यहां पर? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह के बाद में जितने भी महाराजा हुए उनकी छतरियां कहां बनने लगी? गेटोर में, लेकिन एक शासक को छोड़कर। जयपुर के एक शासक हुए थे ईश्वरी सिंह, इनकी छतरी गेटोर में नहीं है, ठीक है। तो फिर कहां इनकी? जय निवास बाग। ईसर लाट जो इमारत है ना जयपुर के मेन, जयपुर में जब आप जाते हो ईसर लाट, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना? नहीं सुना क्या? चलो कोई बात नहीं, आज सुन लिया। तो सवाई जय सिंह के बाद में जितने भी शासक हुए उन सबकी छत्रियां कहां बनने लगी थी? गेटोर में। लेकिन सवाई जय सिंह के बाद एक शासक हुए जिनका नाम क्या था? ईश्वरी सिंह। इनकी छत्री गेटोर में ना होकर कहां पर है? जय निवास बाग के पास। और किसके पास में है वो? ईसर लाट के पास, ठीक है। लिखना, ईश्वरी सिंह की छत्री जय निवास बाग के निकट। और कोष्टक में एक और नाम क्या लिख सकते हो? ईसर लाट। जय निवास बाग के निकट स्थित है। जय निवास बाग के निकट स्थित है। एक आपने सवाई मानसिंह नाम बोला था अभी, इनका भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि सवाई जय सिंह से पूर्व के हैं तो इसका मतलब इनकी सबकी अलग अलग स्थानों पर बनी होगी। तो जो सवाई मानसिंह हैं जिन्हें आप जानते हो प्रथम, इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? आमेर, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह वाले लिख ली सबने, जय निवास बाग के निकट या फिर ईसर लाट के निकट। और अगली लिख लेना, सवाई मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर में। सवाई मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर। लिख ली सबने गेटोर की छतरी। तो गेटोर की छतरी में तीन चार पॉइंट याद रखने, किस राजवंश से संबंधित है ये छतरियां? जयपुर सबसे पहले किसकी छतरी बनी? और सवाई जय सिंह के बाद में जितने भी शासक हुए सबकी छतरियां कहां बनने लगी? गेटोर में। लेकिन कौन से शासक को छोड़कर? ईश्वरी सिंह। फिर इनकी छतरी कहां स्थित है? जय निवास बाग के निकट। और एक और नाम ईसर लाट। और सवाई जय सिंह से पूर्व एक महत्वपूर्ण शासक हुए जयपुर के जिनका नाम सवाई मानसिंह प्रथम, और इनकी छतरी कहां स्थित है? आमेर में। लिख लिया सबने। इनके बाद मारवाड़ राजवंश की जो छत्रियां वो कहां स्थित है? पचकुंड। कहां पर है ये? मंडोर। लिखो पचकुंड। जो अगली जो छत्रियां आप पढ़ोगे, और पचकुंड मंडोर में किन किस राजवंश की छत्रियां हैं? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। लिख लिया पचकुंड। और यहां से सीधे से क्वेश्चन यही पूछेंगे, मारवाड़ के राजाओं की छत्रियां कहां स्थित है? तीन चार ऑप्शन मिल जाएंगे, पचकुंड, देवी कुंड, या और भी जैसे आहार दे दिया, गेटोर दे दिया। आंसर क्या कर दोगे? पचकुंड। और अगर ये ऑप्शन ना मिलके मंडोर मिल जाए तो मंडोर कर देंगे, ठीक है। काफी सिंपल टॉपिक है ये। हाँ, जोधपुर में ही है।
आगे लिख लो। लिख लिया। एक और जोधपुर राजवंश से ही संबंधित है, कागा की छतरियां, ये भी कहां स्थित है? जोधपुर में। लेकिन जो कागा की छतरियां है, जिसे मैंने आपको बताया था, पूरा जो क्षेत्र होता था वहां पर शासन कौन करते थे? राजा। और फिर उस क्षेत्र को छोटे छोटे जागीरों में बांट दिया जाता था। तो वहां पर शासन कौन करते थे? वहां के मुखिया क्या कहलाते थे? सामंत। तो जोधपुर में जो कागा की छतरियां हैं, यहाँ पे किनकी बनी हुई है? सामंतों की। मतलब जोधपुर के जो भी सामंत हुए, उन सबकी छतरियां कहां बनी हुई है? कागा में। लिखना कागा की छतरियां। क्या आगे लिखना? यहां जोधपुर के सामंतों की। जोधपुर की जगह आप मारवाड़ भी लिख सकते हो, ठीक है? यहां जोधपुर कोष्टक में मारवाड़ लिख लेना, के सामंतों की छतरियां स्थित है। लिख लिया। और यहां पे एक व्यक्ति का नाम आता है जो कागा की जो छतरी है उनमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छी जो छतरी है वो किसकी है? राजसिंह कुंपावत। एक आसोप ठिकाना, एक आसोप जागीर पड़ती थी मारवाड़ में। तो आसोप के क्या थे? सामंत बोल लो या फिर जागीरदार बोल लो, ठीक है? तो इनमें कागा की छतरियों में सर्वश्रेष्ठ छतरी किनकी है? राजसिंह कुंपावत की छतरी। और कितनी खंभों की है ये? 18 खंभों की। लिखना अगली लाइन में, कागा की छतरियों में, कागा की छतरियों में राजसिंह कुंपावत, कागा की छतरियों में राजसिंह कुंपावत की छतरी, राजसिंह कुंपावत की छतरी सर्वश्रेष्ठ है। राजसिंह कुंपावत की छतरी सर्वश्रेष्ठ है। और कितने खंभों की है? 18 खंभों। पोस्टर में लिख लेना 18 खंभों की छतरी। वैसे इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ये, मतलब अगर खंभों के आधारित पूछे, जैसे 32 खंभों की तो फिर भी पूछ लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा पूछेंगे नहीं कि 18 खंभों की छतरी कहां स्थित। बस ये आपको ध्यान रखना है, कागा की छतरियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण छतरी किस सामंत की है? राजसिंह कुंपावत की। लिख लिया कहां पे? कल एक आपने पढ़ा था कल्ला रायमलोद का थड़ा, कहां पढ़ा था आपने? किस दुर्ग में पढ़ा था कल्ला रायमलोद का थड़ा? अकबर और कल्ला रायमलोद के बीच में जो दूसरा साका हुआ था, भूल गए 24 घंटे के अंदर? शिवाना, वहां बताया था ना। फिर मैंने वहां एक और चीज बताई थी, जैसे जोधपुर में बना हुआ है जसवंत थड़ा, तो फोटो दूसरी लग गई, ये वाला जो ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? जसवंत थड़ा। मैंने आपको ये भी बताया था किसी की याद में जिसे छतरियां बनाते हैं उसी प्रकार से क्या बनाए जाते हैं। तो कहां पर स्थित है ये फोटो? मैंने इस वजह से ली, यहां एक आपको दुर्ग दिख रहा होगा। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का किला। तो मेहरानगढ़ का जो किला है इसके जस्ट पास में ही बना हुआ है क्या चीज? जसवंत खड़ा। तो नाम से पता होगा किसकी छतरी आप बोल सकते हो इनको? जसवंत सिंह द्वितीय। और जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र हुए सरदार सिंह। इन्होंने इस जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है? और कल आप में से किसी ने बताया भी था इसे क्या कहा जाता है? जोधपुर का बोल लो या फिर राजस्थान का बोल लो या फिर मारवाड़ का बोल लो, राजस्थान का ताजमहल। ये लिखो, जसवंत थड़ा लिखना। गए हो क्या मेहरानगढ़ किले में?
गए हुए होंगे तो फिर ये भी देखा होगा, जसवंत थड़ा लिखना, ये भी एक तरह से छतरी ही है जसवंत सिंह द्वितीय की, जसवंत थड़ा, और कहां स्थित है ये, जोधपुर में। जसवंत थड़ा जोधपुर, उपनाम क्या है, राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल भी बोल सकते हो आप इसे, राजस्थान का ताजमहल। और किनका स्मारक है ये, जसवंत सिंह द्वितीय का, निर्माणकर्ता कौन थे, सरदार सिंह, और कब करवाया, 1899। सन याद रखना चाहो तो भी ठीक है, और नहीं रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। निर्माणकर्ता लिखना सरदार सिंह, और सरदार सिंह के, सरदार सिंह ने अपनी पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया। लिख लिया सबने, लिख लिया। ये जो पहले ये तस्वीर आई थी, ये गेटोर की छतरियां हैं, कहां पर स्थित है, या मैं बोलूं किस राजवंश से संबंधित है, जयपुर राजवंश से संबंधित है। लिख ली, लिख लिया सबने, अब अगली छत्रिया लिखना देवी कुंड। देवी कुंड में जो छत्रिया बनी हुई किस राजवंश से संबंधित है, बीकानेर, बीकानेर के जो शासक हुआ करते थे उनकी छत्रिया कहां बनी हुई है, देवी कुंड में। लिख लो देवी कुंड, बीकानेर के शासकों की छतरियां। बीकानेर के शासकों की छतरियां, और इनमें भी देवी कुंड में बीकानेर के जितने भी शासक हुए उनकी छतरियां बनी हुई है, और इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण छतरी बीकानेर के एक शासक हुए जिनका नाम है कल्याण, ठीक है। तो सर्वाधिक देवी कुंड में या फिर बीकानेर के शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण छतरी किनकी है, कल्याणमल की। इसमें लिख लेना सर्वाधिक महत्वपूर्ण छतरी कल्याणमल। सैटरडे को आपका टेस्ट है, तो 15 क्वेश्चन तो आपके लोक देवियों के आएंगे, 25 क्वेश्चन राजस्थान के दुर्ग के। लोक देवियों वाले क्वेश्चन मतलब उसका टेस्ट नहीं हुआ ना आपके, तो पहले ही बता देते हैं आपको ताकि आप एक दिन पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन तो आउट भी हो गया है आपके, कल बताया था मैंने, अब याद करना कौन सा। तो देवी कुंड में किस किन राजवंशों की या किन शासकों की छत्रियां है, बीकानेर के शासकों की छत्रियां, और इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण छत्री किनकी है, राव कल्याणमल की। इसके बाद आप एक छत्री लिखना बड़ा बाग की छत्रियां। हाँ हाँ, अलग छत्री है ये, बड़ा बाग की छत्रियां।
जो बड़ा भाग में जो छतरियां बनी हुई किन शासकों की है? जैसलमेर, जैसलमेर में जो राजवंश था उनकी छतरियां कहां स्थित है? बड़ा भाग। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आप शाही जितनी भी छतरियां पढ़ रहे हो ऐसा नहीं, यहाँ सिर्फ राजाओं की छतरियां हैं, जो रानियां हुआ करती थी उनकी उनकी भी छतरियां यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, बड़ा बाग में किनकी छतरियां हैं? जैसलमेर के शासकों की। इनके बाद आप लिखना चार बाग या फिर एक और नाम है इनका छत्र विलास। ये जो छतरियां हैं किन शासकों की है? बिल्कुल सही, कोटा। कोटा के जो शासक हुए उन सबकी छतरियां कहां पर स्थित है? चार बाग, और उसका एक और नाम क्या है? छत्र विलास। इनके बाद कोटा के नजदीक जो कोटा के नजदीक कौन सा था राज्य? बूंदी। तो केसर विलास बाग की छतरियां किस किन शासकों की है? बूंदी के शासकों की। जैसलमेर की बड़ा बाग में जो जैसलमेर के जितने भी शासक हुए ना उनकी छत्रियां कहां पर है? बड़ा बाग में। और कोटा में जो शासक हुए उनकी छत्रियां चार बाग या फिर जिसे एक और नाम से जाना जाता है छत्र विलास। और बूंदी में जो शासक हुए उनकी छत्रियां कहां पर स्थित है? केसर विलास बाग। लिख लिया सबने? तो लिख लो फटाफट। तो ये जो आपने 8-9 छत्रियां पढ़ी ये सारी राजस्थान के प्रमुख राजवंश जो थे उनकी छत्रियां थी। सबसे पहली कौन सी पढ़ी आपने? आहाड़ की छत्रियां। कहां पर स्थित है? उदयपुर। किस राजवंश की है? मेवाड़। और मेवाड़ की जगह अगर पूछ ले गुहिल या फिर सिसोदिया तो भी क्या करोगे? आहाड़ ही करना है। ठीक है, और आहाड़ में सर्वप्रथम छत्री किनकी बनी? अमर सिंह प्रथम की छत्री। उनके बाद में जितने भी शासक हुए सबकी छत्रियां आहाड़ में बनने लग गई थी। एक और उपनाम क्या पढ़ा आपने? क्या कहा जाता है आहाड़ को? महासतियां। आहाड़ के बाद अगली छत्री आपने कौन सी पढ़ी? गेटोर की छत्रियां। किस राजवंश से संबंधित? जयपुर या फिर कछवाहा। सर्वप्रथम किस शासक की छत्री बनी गेटोर में? सवाई जय सिंह की। और सवाई जय सिंह के बाद में एक और शासक हुए जिनकी छत्री यहाँ पर नहीं है, क्या नाम था उनका? ईश्वरी सिंह। तो फिर कहाँ पर है उनकी? जय निवास बाग या फिर इसरलाट। सवाई जय सिंह से पूर्व एक महत्वपूर्ण शासक जयपुर के सवाई मानसिंह प्रथम, छत्री कहाँ स्थित है? आमेर में स्थित है। गेटोर के बाद में अगली कौन सी पढ़ी आपने? जोधपुर। जोधपुर या फिर मारवाड़ शासकों की छत्री कहाँ स्थित है? पचकुंड। कहां पर? मंडोर। इनके बाद आपने कौन सी पढ़ी? कागा की छत्रियां जोधपुर या फिर मारवाड़ राज्य के जो सामंत हुआ करते थे उनकी छत्रियां कहां पर स्थित है? कागा में। और कागा की छत्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस सामंत की छत्री है? राजसिंह कुंपावत की। कितनी छत्रियों की है? 18 खंभों की। ठीक है, इनके बाद आपने कौन सी पढ़ी? जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है? जोधपुर मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसके निकट स्थित है। निर्माण करता सरदार सिंह, अपने पिता जसवंत सिंह
द्वितीय की याद में इसका निर्माण करवाया था। और उपनाम क्या पड़ा? राजस्थान का ताजमहल या फिर मारवाड़ का ताजमहल इसे कहा जाता है। इनके बाद आपने कौन सी छतरी पढ़ी? देवी कुंड। कहाँ स्थित है? बीकानेर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसकी है? कल्याण बल की। इनके बाद आपने कहाँ गए? जैसलमेर। जैसलमेर में किन कहाँ पर स्थित है? बड़ा बाग। बड़ा बाग की छत्रियां। और इनके बाद कोटा शासकों की छत्रियां कहाँ पड़ी? छत्रविलास या फिर शारबाग की छत्रियां। अगला बूंदी के शासकों की कहाँ पड़ी? केसर विलास। ये प्रमुख जो राजवंश हुए उन सब की छत्रियां। इसके बाद एक एक करके आप अलग अलग जो प्रसिद्ध छत्रियां जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक एक करके पढ़ लिखना, ठीक है? एक लिखो पाली वालों की कहां स्थित है? जैसलमेर। अगला लिखना नाथों की छतरियां, ये कहां स्थित है? महत्वपूर्ण है ये वाली छतरी, जालौर में। और ये चीज ध्यान रखना नाथों की जो छतरियां यहां पर किनके चित्र बने हुए हैं इन छतरियों के ऊपर? तोते के चित्र बने हुए हैं। नाथों की जो छतरियां कहां स्थित है? जालौर में। एक आपने संप्रदाय पढ़ा था ना, कौन सा? नाथ संप्रदाय, उन्हीं से संबंधित है, ठीक है? बंजारों की छतरी कहां स्थित है? बंजारों की छतरियां पहले पढ़ने रखी है क्या आपने? लाल सोट। और लाल सोट कहां पड़ता है? दोसा में। लिख लो पाली वालों की छत्रियां कहां स्थित है? जैसलमेर। नाथों की जालो। और इन छत्रियों के ऊपर किनके चित्र बने हुए हैं? तोते के चित्र। बंजारों की छतरी कहां स्थित है? लाल सोट। कहां पड़ता है? दोसा। निवाई में कौन भेज रहा है? मिश्र जी की छतरी, महत्वपूर्ण छतरी मिश्र जी की छतरी। कहां पड़ती है ये? नेहड़ा। और ये कहां पड़ता है? अलवर में। मिश्र जी की छतरी नेहड़ा। और नेहड़ा कहां पड़ता है? अलवर में। कौन कर रहा है? आधे घंटे बाद वैसी बात ही करनी है तुमको। फिर मिश्र जी की छतरी कहां स्थित है? नेहड़ा। और ये जो छतरी है इसके ऊपर कितने अवतार पढ़ते हो आप विष्णु जी के? तो विष्णु के दशावतारों का क्या है इस पर चित्रण किया हुआ है, लिख लेना इस बात को। इस छतरी पर विष्णु जी के दशावतारों का चित्रण किया हुआ है। विष्णु जी के दशावतारों का चित्रण किया हुआ है। लिख ले मिश्र जी की छतरी कहां स्थित है? नेहड़ा। नेहड़ा कहां पड़ता है?
जब आप राजस्थान की चित्रकला पढ़ोगे तो शेखावटी में जो शेखावटी वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। तो जो शेखावटी क्षेत्र में जो चित्रण हुआ है वो मुख्य रूप से किनके ऊपर किया गया है? दीवारों पर। ठीक है, तो वो प्रसिद्ध किस लिए? भित्ति चित्रों के लिए। तो उनमें एक नाम आएगा जोगीदास की छतरी। किस लिए प्रसिद्ध है ये? भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध। और ये जोगीदास की छतरी कहां पड़ती है? उदयपुर वाटी। हाँ, जोगीदास की छतरी कहां स्थित है? उदयपुर वाटी। और प्रसिद्ध किस लिए है? भित्ति चित्रों के लिए। जब आप राजस्थान की चित्रकला पढ़ोगे वहां पर भी ये नाम आएगा। लिख लिया। गंगाबाई की छतरी। लिख लिया यहां तक सबने? गंगाबाई की छतरी ये कहां स्थित है? इन्हीं के नाम पर उस स्थान का नाम गंगापुर। कहां पड़ता है? हाँ, एक आपके गंगापुर सिटी पड़ता है और एक गंगापुर पड़ता है। गंगापुर सिटी तो आपको पता, पहले सवाई माधोपुर में नया जिला बन गया। और ये जो गंगापुर ये कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। एक मराठा सरदार आए थे राजस्थान में, महादजी सिंधिया, उनकी पत्नी थी ये। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था, गंगाबाई की छतरी। ठीक है, लिख लिया। अब अगली एक और छतरी लिखना, गोराधाई की छतरी। कहां स्थित है ये? जोधपुर में। लिख लो गोराधाई की छतरी। जोधपुर। ठीक है, ये जो आपने कुछ 5-7 छत्रियों के नाम लिखे राजवंश के बाद में, ये प्रमुख छत्रियां हैं जहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहली छत्री कौन सी पढ़ी आपने? पाली वालों की छत्री। कहां स्थित है? जैसलमेर में। ठीक है, एक कुलधरा गांव आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहीं पर पालीवाल निवास कर, जो पालीवाल जाति के लोग थे वो निवास करते थे, तो वो गांव छोड़कर गए और उसी स्थान पर क्या बनी हुई इनकी छतरियां बनी हुई है। ठीक है, पालीवालों की छतरियों के बाद कौन सी छतरी पड़ी आपने? नाथों की छतरी। कहां स्थित है? जालोर में। और इन छतरियों की विशेष बात, किनका चित्रण किया हुआ है? तोते का चित्रण किया हुआ है। अगली छतरी कौन सी पड़ी? बंजारों की छतरी। कहां स्थित है? लाल सोट। कहां पड़ता है? दोसा। ठीक है, अगली छतरी किनकी पड़ी आपने? मिश्र जी की छतरी। कहां स्थित है? नेहड़ा। नेहड़ा कहां पड़ता है? अलवर। क्या विशेष बात पड़ी? विष्णु जी के 10 अवतारों का इस छतरी पर चित्रण किया हुआ है। अगली छतरी कौन सी पड़ी? जोगीदास की छतरी। कहां स्थित है? उदयपुर वाटी। अगली छतरी किनकी पड़ी? गंगाबाई की छतरी। कहां स्थित है? गंगापुर। मराठा सरदार आए थे राजस्थान में, महादजी सिंधिया, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। अगली छतरी गोराधाई की छतरी। कहां स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, इनके बाद जो आप खंभों के ऊपर आधारित पूछते हैं, सबसे पहली लिखो 84 खंभों की छतरी। कौन सी है ये?
पीछे क्यों कर रहे हो बातें? हाँ लिखो, 84 खंभों की छतरी। कहां पर स्थित है सबसे पहली बात 84 खंभों की छतरी? बूंदी में। बूंदी में एक शासक हुए जिनका नाम है अनिरुद्ध सिंह। इनके एक धाबाई थे। धाबाई का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पन्ना धाय का नाम पढ़ा, एक गोरा धाय का नाम पढ़ा, क्या पन्ना धाय क्या थी? मतलब एक तरीके से धाय माँ आप जिनको बोलते हो, जैसे जो भी राजकुमार हुआ करते थे तो उनका लालन पालन जो है वो धाय माँ किया करती थी। तो जो अनिरुद्ध सिंह थे इनकी एक धाय माँ थी, उनका एक बेटा था, ठीक है, उनकी याद में अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध सिंह का वो क्या हो गया? धा भाई हो गया। तो अनिरुद्ध सिंह के बाद में एक शासक आए थे जिनका नाम है शत्रुसाल। तो इस छतरी का निर्माण तो किसके द्वारा करवाया गया? शत्रुसाल। और किसकी याद में? जो अनिरुद्ध सिंह थे इनके एक धाबाई थे, देवा नाम था शायद उनका, उनकी याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो 84 खंभों की छतरी लिखना, बूंदी में स्थित, और निर्माणकर्ता कौन थे इसके? शत्रुसाल। लिख लो निर्माणकर्ता शत्रुसाल। और किनकी याद में? अनिरुद्ध सिंह के धाबाई की याद में। लिख लिया सबने? और काफी एग्जाम्स में भी पूछी हुई है ये वाली छतरी, ये गिनने गिनने चले जाना है जो ये खंबे है ना, ये पीछे भी तो है, सिर्फ सामने सामने की थोड़े ना दिख रहे हैं। लिख ली 84 खंभों की छतरी। इनके बाद अगली कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी। लिखो अगली, लिखो 80 खंभों की छतरी। कहां स्थित है 80 खंभों की छतरी? अलवर में, ठीक है। अलवर में एक शासक हुए थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। और आपको पता था जब पहले के जमाने में जब किसी पति, मतलब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके जब अंतिम संस्कार जब होता था तो साथ में उनकी पत्नी भी सती हुआ करती थी। तो जो अलवर के एक शासक हुए बख्तावर सिंह, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जो भी रानी थी वो सती, उनमें से कोई भी सती नहीं हुआ, लेकिन इनकी एक पासवान थी, हाँ पासवान का मतलब क्या होता है? सेविका। तो जो इनकी पासवान थी वो इनके साथ में सती हुई थी। इनके बाद में बख्तावर सिंह के बाद में एक शासक हुए अलवर के जिनका नाम क्या है? विनय सिंह। तो इनकी याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। आई बात समझ में आपको? लिखना इस बात को, निर्माणकर्ता विनय सिंह, निर्माणकर्ता विनय सिंह। और किनकी याद में? बख्तावर सिंह की, पासवान की याद में। निर्माणकर्ता लिखना सबसे पहले विनय सिंह, निर्माणकर्ता विनय सिंह। अगली लाइन में लिखना बख्तावर सिंह की पासवान, बख्तावर सिंह की पासवान की याद में, बख्तावर सिंह की पासवान की याद में
इस छतरी का निर्माण करवाया। याद में करवाया जिसे आपने एक नेहरा जी नेहरा में छतरी पड़ी थी किनकी? मिश्र जी की। किनका चित्रण है वहां पर? विष्णु जी के 10 अवतारों का। और जो 80 खंभों की छतरी यहां पर महाभारत व रामायण का चित्रण किया हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम लिखना इसमें। यहां रामायण व महाभारत का चित्रण किया हुआ है या किया गया है, यहां रामायण व महाभारत का चित्रण किया गया है। लिख लिया सबने? अस्सी खंभों के बाद में लिखना। बत्तीस खंभों की छतरी। बत्तीस खंभों की छतरी राजस्थान में दो स्थानों पर है। कौन कौन सी? एक तो आपने पढ़ी हुई है, कहां पर है? रणथंभौर में। और रणथंभौर में एक शासक हुए हम्मीद, जिन्होंने अपने पिता की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। तो रणथंभौर में जो 32 खंभों की छतरी, इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? हम्मीद के द्वारा। अगली 32 खंभों की एक और छतरी कहां स्थित है? मांडल। मांडल कहां पड़ता है? और यहां पर किसकी छतरी है? लिखना इसमें। 32 खंभों की छतरी, पहली 32 खंभों की छतरी कहां स्थित है? रणथंभौर में। और निर्माणकर्ता हम्मीद। और एक और छतरी कहां स्थित है? मांडल में, जो कि कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। किसकी छतरी यहां पर? जयपुर वंश के एक शासक थे जिनका नाम क्या है? जगन्नाथ कछवाहा। इनके बारे में कहा जाता है, जो ये ब्रैकेट में लाइन लिख रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है ना, महाराणा प्रताप पर या फिर मेवाड़ पर अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमणकारी कौन था? जगन्नाथ कछवाहा। मतलब अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए जो अंतिम प्रयास था वो कब किया गया था? 1585 ईस्वी में। और किसे भेजा था अकबर ने? जगन्नाथ कछवाहा को। लिख लेना जगन्नाथ कछवाहा, और कोष्टक में आप लिख लेना 1585 ईस्वी में। अकबर द्वारा मेवाड़ में भेजे गए। किनको भेजा था? जगन्नाथ कछवाहा को। लिख लिया सबने? 18 खंभों की छतरी कहां पड़ी आपने? कहां पड़ी 18 खंभों की? अभी बताई थी ना, भूल गई इतनी जल्दी। राजसिंह कुंपावत।
लिख ली थी ना, तागा की छत्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण छत्री, ये लिख लिया सबने। बत्तीस का आधा करो, 16 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 16, सबसे पहली बात 16 खंभों की छतरी है किसकी? अमर सिंह राठौड़। लिखो, 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़, और कहां पर बनी हुई ये छतरी? एक मतिरे की राड आपने पढ़ी होगी, उस समय नागौर में जो नागौर परगना था उसमें शासक कौन थे? अमर सिंह राठौड़। तो इन्हीं के शासन काल में मतिरे की राड हुई थी। 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर में, और है किनकी? अमर सिंह राठौड़ की। ये महाराणा प्रताप वाले अमर सिंह नहीं, ये राठौड़ राजवंश के, जो मारवाड़ राजवंश था ना, उनसे संबंध है इनका। लिख लिया 16 खंभों की छतरी। इनके बाद लिखना 12 खंभों की छतरी। बारह खंभों की छतरी कहां स्थित है? पढ़ा रखी है, कौन बताएगा कहां स्थित है? कुंभलगढ़ में। किनकी है? उड़ना राजकुमार। और क्या नाम था इनका? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज आगे चौहान या फिर सिसोदिया, क्योंकि किस राजवंश से संबंध था इनका? मेवाड़ राजवंश से। राणा सांगा को आप पढ़ते हो ना, उनके भाई थे ये पृथ्वीराज। बारह खंभों की छतरी किनकी है? उड़ना राजकुमार। और कहां पर स्थित है ये? कुंभलगढ़। लिख लिया, सबसे पहली छतरी किनकी पड़ी, मतलब कितने खंभों की पड़ी? 84 खंभों की। कहां स्थित है? बूंदी में। निर्माणकर्ता शत्रुसाल, किसकी याद में? अनिरुद्ध सिंह के एक धावाई थे जिनकी याद में इस छतरी का निर्माण करवाया। 84 के बाद में 80 खंभों की छतरी कहां स्थित है? अलवर में। इस छतरी का एक और नाम है मूसी महारानी की छतरी, ठीक है। निर्माणकर्ता कौन थे? विनय सिंह। बख्तावर सिंह की एक पासवान थी जिनकी याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। एक और विशेष बात क्या लिखवाई? इस छतरी में महाभारत और रामायण का चित्रण किया हुआ है। 80 के बाद में कौन सी पड़ी? 32 खंभों की छतरी। राजस्थान में दो स्थानों पर है, पहली कहां है? रणथंभौर दुर्ग में, दूसरी मांडल में। जो किनकी छतरी है वहां पर? जगन्नाथ कछवाहा, जिसने महाराणा प्रताप पर अंतिम आक्रमणकारी जो थे वो, ठीक है। इनके बाद में आपने कौन सी पढ़ी? 16 खंभों की किनकी है? अमर सिंह राठौड़ की। कहां पर स्थित है? नागौर में। 16 के बाद में 12 खंभों की छतरी कहां स्थित है? कुंभलगढ़ है किनकी? उड़ना राजकुमार। नाम क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया। और कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 12 खंभों की छतरी किसकी है? तो ऑप्शन दो मिलेंगे, एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया और एक पृथ्वीराज चौहान, और राठौड़ भी मिल सकता है, क्योंकि यही आपको ऑप्शन में यही कंफ्यूज करेंगे। आपको याद रखना पृथ्वीराज कौन से थे? ये सिसोदिया, क्योंकि पृथ्वीराज जैसे ही मुंह पे नाम आता है तो आप किन्हें याद करते हो? पृथ्वीराज चौहान को। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए इस वजह से, इसको दो चार बार अंडरलाइन कर लेना कि ये उड़ना राजकुमार कौन से हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ राजवंश के, ठीक है। इनके बाद राजस्थान के प्रमुख राजा या फिर शासक हुए जिनकी छतरियां भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहली छतरी राणा सांगा की,
अभी तो लिखते जाओ, कोई बात नहीं, आज टॉपिक पूरा करेंगे। फटाफट लिखो, राणा सांगा की छतरी कहां स्थित है? मांडलगढ़। एक पॉइंट याद रखना, भीलवाड़ा में मांडल एक अलग स्थान है और मांडलगढ़ अलग स्थान है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल और राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, ठीक है। राणा सांगा के बाद में इनके पुत्र उदय सिंह, उदय सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? गोगुंदा। गोगुंदा कहां पड़ता है? उदयपुर में। उदय सिंह के बाद में लिखना महाराणा प्रताप। कहां स्थित है महाराणा प्रताप की छतरी? कहां है? बाडोली, ठीक है, बाडोली बोल रहे, बाडोली बोल रहे। और याद रखनी ये कितने खंभों की है? आठ खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? आज कितनी तारीख है? तो आज महाराणा प्रताप जयंती है, ठीक है। ये महाराणा प्रताप की छतरी। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, उदय सिंह की छतरी गोगुंदा, महाराणा प्रताप की छतरी बाडोली, और महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे क्या नाम है उनका? चेतक। चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा। लिख ली छतरिया? लिख ली? इनकी भी छतरी पूछी जाती है, वैसे काफी सिंपल है। बख्तावर सिंह की छतरी कहां होगी, कहां हो सकती है? शासक कहां के थे ये? इनकी छतरी भी कहां होगी? अलवर में ही होगी। एक शासक हुए करौली में, जिनका नाम क्या है? गोपाल पाल। इनकी छतरी कहां पर होनी चाहिए? जहां के शासक होंगे वहीं होगी इनकी छतरी, सीधी सी बात है। दोबारा क्या? कोई बात नहीं, लिख लो। लिख ली सबने? लिख लो फटाफट। इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन चार छतरियां हैं जो आपने पढ़ी दी है। सबसे पहले एक मैंने लिखवाई थी बाघ सिंह की छतरी, आपको फोटो भी दिखाई थी। उनके बाद कल्ला राठौड़ की छतरी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, हाँ नहीं रामपुल नहीं, वो पता सिसोदिया की थी, ठीक है। ये लिख ली सबने? इसके बाद सबसे पहली छतरी किन की बताई? बाघ सिंह की छतरी। अगली किन की बताई? और जो कल्ला जी थे, इन्होंने किसे अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था? जयमल, ठीक है। तो कल्ला राठौड़ और जयमल सिसोदिया, इन दोनों की, सॉरी मेड़तिया, इन दोनों की छतरी कहां स्थित है? एक साथ लिख देता हूं इनको। और इनके अलावा एक और मैंने आपको लिखाई थी, इनकी एक और मीरा, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? वेदास। इन सब की छतरियां कहां स्थित है?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और बाघ सिंह की छतरी पूछ ले, इनकी छतरी किस पोल पे बताई थी, पांडल पोल बोल लो या फिर पांडु पोल बोल लो, एक ही बात है। और जयमल और कल्ला राठौड़ जो है इनकी छतरी कहाँ है, हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य। और इनके बाद जो पत्ता सिसोदिया, इनकी छतरी मैंने कहाँ बताई, और इनके बाद रेदास की छतरी जो कि मीराबाई के क्या थे, गुरु थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर है और इसे या फिर किस नाम से जानते हो, मीरा मंदिर के नाम से भी जानते हो। तो इन चारों छत्रियों के नाम लिखो और कहां पर स्थित है, सारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लेकिन अलग अलग स्थानों पर है। टोटल कितनी छतरियां पढ़ ली आज, कितनी, 28, अच्छा 31। अब एक बंद करो आप कॉपियों, फटाफट से मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको इन छतरियों। और ये टॉपिक ऐसा ही, आपने दो तीन पेज जितने भी लिखे हैं ऐसा शायद ही कोई एग्जाम जाता होगा जहां इन छतरियों से क्वेश्चन नहीं पूछते हो, तो आपके लिए काफी छोटा टॉपिक है जहां से आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करना है आपको। लिख लिया सबने, लिख लिया। सबसे पहले आपने कौन सी छतरी पढ़ी, आहड़ कहाँ स्थित है, किस राजवंश से संबंधित है, मेवाड़ राजवंश से। क्या कहा जाता है, महासतिया। कहाँ स्थित है, उदयपुर। अगली कौन सी पढ़ी, गेटोर की, कहाँ स्थित है, जयपुर, जयपुर राजवंश से संबंधित। सबसे पहली छतरी किनकी है, सवाई जय सिंह की, और ईश्वरी सिंह की छतरी जय निवास बाग के निकट स्थित है या फिर इसरलाट के पास। सवाई मान सिंह की छतरी कहाँ स्थित है, आमेर में। इनके बाद कौन सी पढ़ी आपने, पचकुंड, पचकुंड में किनकी छतरियां हैं, मारवाड़ के राठौड़ों की छतरियां। इसके बाद कागा की छतरियां पढ़ी आपने, किनकी है, जोधपुर के सामंतों की छतरियां। सबसे महत्वपूर्ण किनकी थी, राजसिंह कुंभावत की। कितने खंभों की, 18 खंभों की। जसवंत थड़ा आपने पढ़ा, कहाँ स्थित है, जोधपुर में। निर्माणकर्ता सरदार सिंह, किनकी याद में, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। इनके बाद आपने क्या पढ़ी, देवी कुंड किनकी कहां पर है, बीकानेर में। इनके बाद आपने कौन सी पढ़ी, हाँ कल्याण मल की महत्वपूर्ण है इन सब में। अगली कौन सी पढ़ी आपने, कौन सी, बड़ा बाग की, कहां स्थित है, जैसलमेर। चार बाग की कहां स्थित है, कोटा। केसर विलास की बूंदी। पाली वालों की, मिश्र जी की छतरी
नेहरा कहां पर? अलवर। नाथू की छतरी? जालोर। बंजारों की छतरी? लालसोट दोसा। अब खंबों के ऊपर जो क्वेश्चन पूछते हैं, 84 खंबों की बूंदी में, 80 खंबों की अलवर, 80 के बाद 32 खंबों की कहां कहां है? रणथंभौर और मांडल, ठीक है। इनके बाद 32 के बाद में 16 खंबों की छतरी कहां पर है? नागौर। किनकी है? अमर सिंह राठौड़ की। 16 के बाद में 12 खंबों की किनकी है? उड़ना राजकुमार, जिनका नाम क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया। कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ में। 12 के बाद में 8 खंबों की कौन सी पड़ी? महाराणा प्रताप की, लिखा है ना आगे, इतने खंबों की? 8 खंबों की। कहां स्थित है? बाडोली। चेतक की छतरी? बलिचा। राणा सांगा की छतरी? मांडलगढ़। राणा सांगा के बाद उदय सिंह की छतरी? गोगुंदा। बख्तावर सिंह की छतरी? अलवर। गोराधाई की छतरी? जोधपुर। और उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 4-5 आपने प्रमुख छतरियां पढ़ी। रेदास की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर, या फिर आप बोलते हो उसे मीरा मंदिर के नाम से भी जानते हो। पत्ता सिसोदिया की? रामपोल। और कल्ला राठौर और जयमल मेड़तिया की छतरी? हनुमान और भैरवपोल के बीच में। बाघ सिंह की छतरी? पांडनपोल या फिर पांडुपोल, ठीक है। ये आपके छतरियों वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा टॉपिक देखेंगे।